Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Lakshmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. This is my email ID and the lecture will be in bilingual mode, and nowadays we are discussing various modes of sampling in qualitative research, and today I am going to discuss theoretical sampling. Okay, and the lecture will be useful for various competitive teaching examinations as well as your MA and MEd course and UGC NET Education too. Okay, so let's start. First of all, sampling in qualitative research. कि जब हम गुणात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो उसमें जो सैम्पलिंग होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से अलग तरीके की होती है. हम ये बात कर चुके हैं, परपजिव सैम्पलिंग की हम बात कर चुके हैं. तो ओवरऑल जो सैम्पलिंग है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में किस तरीके से होती है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च सैम्पलिंग इज नॉट अबाउट रीचिंग न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस. यानी कि जब हम गुणात्मक अनुसंधान कर रहे होते हैं तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम किसी आंकिक गणना तक पहुंच सकें. नॉट डज द सैंपल साइज अंडरपिन व्हाट रिसर्चर्स इंटरप्रेटेड सिग्निफिकेंट, है ना. यानी कि हम सैंपल साइज भी हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ही कोई न्यूमेरिकल उसकी सिग्निफिकेंस है. किसकी? सैंपलिंग की. किसमें? क्वालिटेटिव रिसर्च में, पहली खास बात. दूसरी बात, जनरेटिंग डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज अबाउट स्ट्रेटेजिकली सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स हुज व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस कैन ऐड मीनिंग टू. मतलब जब हम गुणात्मक अनुसंधान करते हैं तो उसमें जो जनरेटिंग डेटा, मतलब जो डेटा हम जनरेट करते हैं, देखिए यहाँ हम डेटा कलेक्ट नहीं करते, डेटा जनरेट कर रहे हैं, ये भी एक डिफरेंस है. तो उसमें हम उन पार्टिसिपेंट्स को चुनते हैं स्ट्रेटेजिकली, हम स्ट्रैटेजी बना के चुनते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को हुज व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस, जिनके व्यू पॉइंट्स या जिनके अनुभवों से हम मीनिंग दे सकें, इल्यूमिनेट, कुछ ज्ञान का इल्यूमिनेशन हो, एंड इन सम केस हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमेना अंडर स्टडी. और कुछ केसेस में जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उस घटना के एक्सप्लेनेशन में हेल्प मिले, ये जो है वो खासियत क्वालिटेटिव रिसर्चेस की है. तो हम स्ट्रैटेजिकली सिलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट को, ये भी खास बात है. फिर सैम्पलिंग दैट इनेबल्स रिसर्चर्स टू कैप्चर सिमिलैरिटी, डिफरेंस एंड और एनोमलीज इन द परस्यूट ऑफ न्यू एंड मीनिंगफुल डेटा आर ए कोर फीचर ऑफ एनी क्वालिटेटिव रिसर्च. ये कह रहे हैं कि जो रिसर्चर है, सैम्पलिंग दैट इनेबल्स रिसर्चर्स, उस तरीके की सैम्पलिंग जो रिसर्चर को इस योग्य बनाए कि वो सिमिलैरिटी को, मतलब समानता को, अंतर को, कोई एनोमली है, कोई विभिन्नता है, उसको पकड़ सके, कैप्चर कर सके, इन द परस्यूट ऑफ किसकी खोज में, न्यू एंड मीनिंगफुल डेटा, जिसमें कुछ नया, कुछ अर्थपूर्ण आंकड़ा एकत्रित कर सके, ये जो है वो गुणात्मक अनुसंधान का एक मुख्य फीचर है. और सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली कंसेप्चुलाइज्ड एज फोकसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केसेस और इंस्टेंसेस आइडेंटिफाइड एज पर्टिनेंट सोर्सेज ऑफ डेटा फॉर द इंक्वायरी. मतलब जो क्वालिटेटिव रिसर्चेस हैं उसमें सैम्पलिंग हम इस अर्थ में देख सकते हैं कि फोकसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केसेस, मतलब जो घटना है, जो केस है, उसके उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस पर फोकस करता है डेटा, ना कि हम अंक पे जा रहे हैं, ना कि हम सैंपल साइज पे जा रहे हैं. तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्चेस में है. क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने स्ट्रेटेजिकली उन्हीं लोगों को चुना है जिनसे हमके जिनके व्यूज या जिनके एक्सपीरियंस से हम मीनिंग दे पाए, इल्यूमिनेट कर पाए या एक्सप्लेन कर पाए फिनोमेना को. ये एक बेसिक खास अंतर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में है. फिर जब हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं, हम ग्राउंडेड थ्योरी पे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, आप लोग पुराना वीडियो देख सकते हैं. तो ग्राउंडेड थ्योरी में सैम्पलिंग का क्या अर्थ है? हाउएवर ग्राउंडेड थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड अनदर प्रीमाइस फॉर सैम्पलिंग कंसर्न्ड विद जनरेटिंग डेटा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कंसेप्चुअल कैटेगरीज दैट इमर्ज एज ऑफ इंटरेस्ट टू द इंक्वायरी. मतलब अभी तो हम बात कर रहे थे सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब जब गुणात्मक अनुसंधान होगा वहां कैसे सैम्पलिंग की जाएगी. फिर जब ग्राउंडेड थ्योरी, जो कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक टाइप है, उसमें जो सैम्पलिंग होती है वो स्पेसिफिकली अलग होती है और अलग और क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब पर्पजिव सैम्पलिंग से और बाकी सैम्पलिंग से अलग होती है. कैसे अलग होती है? कि यहाँ जो सैम्पलिंग है, मतलब ग्राउंडेड थ्योरी जब हम रिसर्च की मेथडोलॉजी यूज करते हैं तो जो सैम्पलिंग यूज करते हैं उसका मेन पर्पज होता है कि डेटा का, थ्योरी का जनरेशन होगा. किससे? डेटा से. इसीलिए इसको थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कहा जाता है.
This refers to theoretical sampling. Theoretical sampling is a form of sampling in qualitative research that is not bounded by the limits of a priori selection. कह रहे हैं कि जो theoretical sampling है qualitative research में वो a priori selection की limit से बंधी हुई नहीं है. मतलब इसमें आप पहले से तय नहीं कर सकते हैं कि आप कितने sample लेंगे, कितना interview करेंगे. Rather, बल्कि क्या होता है, theoretical sampling entails jointly collecting and analyzing data to decide what data to collect next and where to find them to develop theory. मतलब खास बात क्या कि आप theoretical sampling से theory generate कर रहे हैं. दूसरी खास बात क्या कि आप पहले से तय नहीं कर सकते हैं कि कितना आपका sample होगा, कितनी बार आपको उनसे बात करनी है. बल्कि क्या होगा कि आप उनसे बात करेंगे, फिर analysis करेंगे, वो तय करेगा कि what data to collect next, वो तय करेगा कि कब क्या आपको next data collect करना है और कहाँ से आपको वो मिलेगा. It involves in identifying emerging concepts in data being generated which are then used to guide where, how and from whom more data should be collected and with what focus. मतलब इसमें से आपने पहली बार एक कुछ लोगों से बात की, आपका सैंपल हुआ, उनसे बात करके कुछ निकला, आपने उसको एनालिसिस किया, वो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का आइडेंटिफिकेशन देगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स इमर्ज होंगे और उनसे पता चलेगा कि वेयर, कहाँ से, हाउ, कैसे और फ्रॉम होम किससे आपको और डेटा मिल सकता है और आपका फोकस क्या होगा. थियोरेटिकल सैम्पलिंग इज एन इनोवेशन ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी मेथड. थियोरेटिकल सैम्पलिंग है वो ग्राउंडेड थ्योरी मेथड का एक इनोवेशन है, एक नवाचार है, सिस्टमैटिक रिसर्च अप्रोच है दैट बिल्ड्स कॉन्सेप्ट्स एंड थियरी फ्रॉम डेटा. जिसमें से कि कॉन्सेप्ट यानी कि आपका संप्रत्यय निकल के आता है, आपकी थियरी निकल के आती है किससे, डेटा से. तो द मेन एम ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, तो ग्राउंडेड थ्योरी का मेन एम ही क्या है, जनरेशन ऑफ थियरी फ्रॉम डेटा. मतलब आंकड़ों से आप थियरी बना रहे हैं, यही ग्राउंडेड थ्योरी का मेन एम है. तो थियोरेटिकल सैम्पलिंग क्या हो गई, थियोरेटिकल सैम्पलिंग इज थियोरेटिकली ओरिएंटेड. क्यों ये थियोरेटिकली ओरिएंटेड है, क्यों, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ थियरी, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि इसके जो डेटा है उससे आपकी थियरी का जनरेशन हो रहा है. एंड फोकसेस डेटा कलेक्शन ऑन बिल्डिंग एंड रिफाइनिंग थियरी. और इसमें जो डेटा का कलेक्शन है उसको किस पे बेस होता है, उसका फोकस क्या होता है कि आप थियरी को का निर्माण कर सके, थियरी को रिफाइन कर सके. ठीक है, फिर डिफरेंस विद परपजिव सैम्पलिंग. आप देखिए कैसे ये परपजिव सैम्पलिंग से अंतर है, कैसे भिन्न है, क्योंकि मेनली जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें परपजिव सैम्पलिंग होती है, लेकिन ग्राउंडेड थियरी में थियोरेटिकल सैम्पलिंग होगी. तो ग्राउंडेड थियरी स्टडीज डिफर फ्रॉम अदर क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज एंड वन ऑफ दीज इज इन द वे दैट सैम्पलिंग अकर्स. मतलब कि कैसे ये अंतर करता है, यहीं पे ये भिन्न है कि सैम्पलिंग कैसे होनी है, किस तरीके से होनी है. Just as with purposeful or purposive qualitative sampling, theoretical sampling involves selecting participants based on specific characteristics. मतलब कि शुरुआत ठीक है कि purposive sampling भी वहीं से शुरू हुई है कि हमने सैंपल वहां से चुना है जिनके पास कुछ खास गुण हो जो कि हमारा पर्पज सॉल्व करे. theoretical भी यहीं से शुरू होती है. But the difference between the two lies in the stage at which participants are selected. लेकिन दोनों में अंतर यहाँ पे निर्भर करता है कि किस स्टेज पे पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए जा रहे हैं. In purposeful sampling, researchers select the participant sampling criteria prior to conducting research. यानी कि purposeful sampling में आप अपने sample को research शुरू करने से पहले ही select कर लेते हैं. जबकि in grounded theory studies, theoretical sampling occurs as the data collection progresses. जबकि grounded theory में जैसे जैसे data collection आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपका sample चुना जाता है. After the researcher identifies the research topic and question, they identify a small handful of people to interview based on a set of criteria much like in purposeful sampling. Then they interview those people. This is where theoretical and purposeful sampling diverges. मतलब खास अंतर कहाँ है, a priori selection पे. purposeful sampling में, purposeful sampling में क्योंकि आपको पता है आपका purpose क्या है, पहले से select कर सकते हैं. लेकिन theoretical sampling में वो कह रहे हैं क्योंकि theory generate होनी है तो पहली बार जिनसे बात की गई उनकी बातचीत से जो निष्कर्ष निकलेगा वो तय करेगा कि अगली बार किससे बात की जाएगी, उनसे बात की जाएगी तो उसके आगे, उनसे बात की जाएगी तो उसके आगे, उनसे बात की जाएगी तो उसके आगे. इस तरीके से purposeful और theoretical sampling अलग हो जाते हैं. बल्कि शुरुआत एक ही जैसे हुई है कि हम उनको चुनेंगे ऐसे जो हमारा purpose सॉल्व कर सके. ठीक है, फिर डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसकी देखें तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी एज डिफाइंड बाय ग्लेजर एंड स्ट्रॉस इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड डिसाइडिंग व्हाट डेटा टू कलेक्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी एंड कैटेगरीज दैट इमर्ज फ्रॉम योर डेटा. मतलब ये जो इसको कैसे डिफाइन किया, ग्लेजर एंड स्ट्रॉस है, देखिए ग्लेजर एंड स्ट्रॉस का चूंकि ग्राउंडेड थ्योरी पे भी काम है और
क्रिटिकल सैंपलिंग है वो ग्राउंडेड थ्योरी का ही सब पार्ट है। तो इसीलिए उन्होंने डिफाइन किया इसको कि ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा का रास्ता है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा कलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द थ्योरी एंड कैटेगरीज दैट इमर्ज फ्रॉम योर डेटा। मतलब जो डेटा से कैटेगरी निकल के आ रही है, आंकड़ों से जो सिद्धांत हमको दिखाई दे रहा है, जो थ्योरी समझ में आ रही है, वो ये हमको बताता है कि नेक्स्ट आप कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे। There is no preset notion. ये एक बात एकदम खास होगी कि पहले से आप तय नहीं कर सकते who to recruit or any predetermined groups of people to compare कि कितने ग्रुप होंगे, कितने लोगों से बात करनी होगी, ये हमको प्रोसेस में पता चलेगा। Instead you start somewhere in data collection. बल्कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से शुरू कीजिए डेटा कलेक्शन करना, एनालाइज कीजिए डेटा, उसका निष्कर्ष एनालिसिस कीजिए एंड देन डिटरमाइन फ्रॉम योर लर्निंग वेयर टू कलेक्ट डेटा नेक्स्ट। और वहां से उसके उत्तर हमको ये निष्कर्ष ये बताएगा, उसका विश्लेषण हमको ये बताएगा कि नेक्स्ट हमको डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है। When utilizing theoretical sampling, the process of collecting data, coding it and analyzing it happens simultaneously and recursively and not as discrete steps that lead into one another. Generally, खासतौर से क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में क्या होता है, हम फील्ड वर्क में जाते हैं, हम वहां से डेटा कलेक्ट करके लाते हैं और फिर घर बैठकर उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चेस में ऑल टुगेदर ऐसा नहीं होता और थ्योरेटिकल सैंपलिंग में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसमें आप जाएंगे, बात करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, फिर जाएंगे बात करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, सब इसी पर बेस्ड है कि क्या बातचीत चल रही है। तो सब कुछ साइड बाई साइड चलता है और थ्योरेटिकल सैंपलिंग इज पार्ट ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। और जो थ्योरेटिकल सैंपलिंग है वो ग्राउंडेड थ्योरी का ही पार्ट है। और प्रोसीजर इसका क्या है, देखिए प्रोसीजर इसका थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। बिगिन डेटा कलेक्शन बाय स्टार्टिंग समवेयर, ये हमको करना है। फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा यू कलेक्ट इट बेस्ड ऑन, होना चाहिए तो ऑन एग्जिस्टिंग डोमेन नॉलेज और पार्शियल फ्रेमवर्क, इवन इफ यू डोंट नो येट वेदर और नॉट दीज कंस्ट्रक्ट्स विल बी रेलेवेंट टू योर थ्योरी इन द एंड। मतलब आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो वो कह रहे हैं आपने जितना पढ़ा है, आपको जितना ज्ञान है, आपका जितना लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, उसे कहीं से आप डेटा कलेक्शन शुरू कीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके काम का हो, क्योंकि उसके बाद जो उनसे उत्तर मिलेंगे वो हमारा रास्ता निकालते जाते हैं। तो और हमको क्या करना है, बी थ्योरेटिकली सेंसिटिव एंड हैव एन ओपन माइंड एंड हैव एन ओपन माइंड। ये तो ओवरऑल आपको क्वालिटेटिव रिसर्चेस में ओपन माइंड के संग चलना होगा। एज यू कलेक्ट डेटा यू शुड हैव एन ओपन माइंड अबाउट वेरियस थ्योरीज एंड कैटेगरीज दैट कैन इमर्ज फ्रॉम योर डेटा। क्योंकि हमको देखना है कि डेटा से क्या क्या निकल के आ रहा है, उनकी कोडिंग करनी है, अलग अलग उनकी कैटेगरी बनानी है, तभी तो थ्योरी निकलेगी उससे। यू शुड कॉन्स्टेंटली बी वर्किंग टू डिस्कवर रिलेशनशिप्स बिटवीन कैटेगरीज यू डिराइव फ्रॉम योर डेटा। और जो कैटेगरीज निकल के आ रही है उनमें क्या रिलेशनशिप है, तो ये बहुत इंटेंस काम है। Do not plan your data collection in advance. आप अपने data collection को in advance plan नहीं कर सकते theoretical sampling में। In theoretical sampling, instead, you take the initial set of data you collect, analyze it, determine what some emergent categories are, and then decide from these categories and take note of new questions that emerge. Use these gaps and new questions to guide your criteria for recruitment in the next round of data collection. यानी कि एक round data collection किया, आपको उनसे उत्तर मिले, उससे आपको new insight आई कि आप अच्छा ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पता चलेगा कि चूंकि ये नहीं बता पा रहे हैं तो कौन बता पाएगा, तो आप उनसे जाएंगे बात करने, फिर आपका डेटा कलेक्ट होगा। और इस तरीके से आपको ओपन माइंड के साथ क्या कैटेगरीज निकल के आ रही हैं, उन कैटेगरीज जितनी निकल के आई हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, कैसे आप कोडिंग करेंगे, एक सिमिलर सेट को एक साथ रखेंगे, डिफरेंट को अलग करेंगे, तो ये बहुत इंटेंस कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेकिंग एंड हार्ड वर्क का काम है, इतना आसान नहीं है। फिर थ्योरेटिकल सैचुरेशन, देखिए थ्योरेटिकल सैचुरेशन क्या होता है, क्योंकि ये बात उठ के आती है कि हम कब तक डेटा कलेक्ट करेंगे ना, हम बात कर रहे हैं, इनसे बात किए, फिर हम इनसे बात किए, फिर इनसे बात, कब तक हम डेटा कलेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप उसको इसको एंड करना होगा ना। तो व्हेन डूइंग थ्योरेटिकल सैम्पलिंग यू नीड सम वे टू डिटरमाइन वेदर यू हैव कलेक्टेड एनफ डेटा। हमको कौन ये सुनिश्चित करके बताएगा कि क्या हमने पर्याप्त डेटा कलेक्ट कर लिया है। यू डोंट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेटा टू कलेक्ट अहेड ऑफ टाइम, ना ही हम ये पहले से तय कर सकते हैं कि हाँ हमको इतना डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो हमको लगेगा कि हमने पर्याप्त कर लिया है। इंस्टेड यू कलेक्ट डेटा अंटिल यू रीच थ्योरेटिकल सैचुरेशन, ये कह रहे हैं कि आपको तब तक डेटा कलेक्ट करना है जब तक आप थ्योरेटिकल सैचुरेशन पे नहीं पहुंच पाते। तो थ्योरेटिकल सैचुरेशन क्या है, इन ग्राउंडेड थ्योरी द गोल इज ऑलवेज टू रीच थ्योरेटिकल सैचुरेशन ऑफ द डेटा। मतलब जब आप ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करते हैं तो आपका उद्देश्य हमेशा ये होता है कि आप थ्योरेटिकल सैचुरेशन पे पहुंच जाए डेटा के। कैसे होगा ये, डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम सैचुरेशन सिग्नल्ड सिंपली बाय द एब्सेंस ऑफ न्यू डेटा फ्रॉम फील्ड पर। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई नया डेटा निकल के आना बंद हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका सैंपल कलेक्ट हो गया और सैचुरेशन पे पहुंच गया, बल्कि इसका क्या मतलब है, रादर
critical saturation refers to the point where no significant new insights from data can better describe, dimensionalize or contextualize the categories that have emerged from data. देखिए न्यू डेटा मिलना बंद हो गया है, ये अलग बात है. हमको क्या होना चाहिए कि कोई जितना भी हम डेटा निकल के आ रहा है उससे हमको कोई न्यू कैटेगरी नहीं मिल रही है, उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, उनके बीच में कोई डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है, कोई इनसाइट नहीं समझ में आ रही है, तब हम कहेंगे कि अब जो है हमारा डेटा सैचुरेशन पे पहुंच गया है. सिर्फ अगर नया डेटा मिलना बंद हो गया तब नहीं कहेंगे, सारी इनसाइट सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, सैचुरेशन के पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब हमारा डेटा थ्योरेटिकल सिचुएशन पे पहुंच गया है. इन क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी इट इज कंसीडर्ड टू बी द पॉइंट व्हेन कंपैरिजंस ऑफ की इंसिडेंट्स इन डेटा यील्ड नो एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ पैटर्न्स. मतलब कोई नमूना, कोई पैटर्न, कोई एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है, कोई नई कैटेगरी इमर्ज नहीं हो रही है, इवन प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड कैटेगरीज में कोई रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा है, तब theoretical saturation can only ever be pursued through theoretical sampling because the focus of grounded theory is to pursue saturation of a theoretical construct emerging from data to develop a theoretical account posited as the best fit of a concept. मतलब जो भी कंसेप्ट है उससे जो भी थ्योरी निकल के आ रही है उसका पूरा थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट का पूरा सैचुरेशन हो जाना चाहिए. मतलब कोई और कैटेगरी अब ना इमर्ज होके आ रही हो तब आप डेटा कलेक्शन रोक सकते हैं थ्योरेटिकल सैम्पलिंग. एडवांटेजेस क्या है इसके? देखिए, द पॉसिबिलिटी टू स्ट्रेंथन द रिगर ऑफ द स्टडी, दिस स्टडी अटेम्प्ट्स टू जनरेट अ थ्योरी इन द रिसर्च एरिया. अगर हम रिसर्च एरिया के क्षेत्र में कोई थ्योरी जनरेट करने जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी सैम्पलिंग का मेथड है जो कि स्ट्रेंथन करता है हमारी स्टडी को. द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल सैम्पलिंग मेथड कैन प्रोवाइड अ सर्टेन स्ट्रक्चर टू डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस प्रोसेसेस, दैट एड्रेसिंग वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स दैट रिलेट टू लैक ऑफ स्ट्रक्चर. अक्सर कहा जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस आपकी हैफजर्ड है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप इस कमी को थ्योरेटिकल सैम्पलिंग से दूर कर सकते हैं कि या नहीं यहाँ स्ट्रक्चर है, हम सिस्टमैटिकली चल रहे हैं कि प्रीवियसली जो आंसर मिले वही हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना. This type of sampling usually integrates both inductive and deductive characteristics, thus increasing comprehensiveness of study. आप इसमें inductive method भी use कर रहे हैं, deductively भी आप analyze कर रहे हैं data को, तो ये comprehensive method बन जाता है study का. Okay, तो ये सब तो इसके लाभ हैं. हानियां क्या हैं? Application of theoretical sampling method may require more resources. बहुत इसमें आपको resourceful होना है, बहुत time लग सकता है, पैसा लग सकता है, आपको बहुत सारे co-researcher चाहिए हो सकते हैं. अब तो इतना online tools, apps आ गए, वरना सब कुछ कागज पे लिख लिख के कितना 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 bulk of material, bulk of data, फिर कैसे कैटेगरी बनेगी, कैसे उसका आपस में कंपेरिजन होगा, कोडिंग होगी, बहुत टाइम टेकिंग काम है, बहुत मेहनत का. देर आर नो क्लियर प्रोसेसेस और गाइडेंस रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इन प्रैक्टिस. देखिए, थ्योरी में तो हम पढ़ लेंगे कि ठीक है ये थ्योरेटिकल सैचुरेशन है, ऐसा है ऐसा है, लेकिन कोई इसकी पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है कि हाँ यही 2+2=4 होना है, ठीक है. तो इसलिए बड़ा प्रैक्टिकली इसको करना थोड़ा मुश्किल है. Overall, theoretical sampling is most complicated than other sampling methods. और अगर आप मतलब complication के terms में देखें तो ये सबसे आप कह सकते हैं कि complicated method है sampling का, तो ये भी इसकी हानि है. तो ये रहा theoretical sampling, बहुत interesting है. Grounded theory में ही use किया जाएगा, आपका पर्पजिव से भी डिफर कर जाता है, नो ए प्रायरी सेट ऑफ कलेक्शन है आपका सैंपल का, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, थ्योरेटिकल सैचुरेशन आपको यील्ड करना है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट थ्योरेटिकल सैम्पलिंग. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. ओके, डन फ्रॉम माय साइड.